जो कुछ भी लिखा है उसको भी हमने देखा। चूंकि यह गुफ्तगु आम है और किसी खास मकसद निगाह से इस गुफ्तगु को नहीं छेड़ा जा रहा है, बल्कि सिर्फ इफादियत पेश नजर है कि आपके मालूमात में इजाफा हो। इसलिए इस मौजू पर इन तकरीरों में या इन तकरीरों के बाद जब कभी वक्त मिले आपको यकीनन कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इस्लामी नजरिया हयात या इस्लामी तरीका हयात या इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कुछ भी कहा जाए, ये यकीनन इस एतबार से एक नया सब्जेक्ट है कि उसको मुदव्वन करने के बाद, अबवाब कायम करने के बाद और बड़ी तफसीलात में जाने के बाद उसको दर्जा बदर्जा पढ़ाया जाएगा और मुख्तलिफ दर्जों में इम्तिहान लिए जाएंगे। बहरहाल इब्तिदा ही में अगर मैं ये कह दूं कि जिन किताबों पर नजर पड़ी, ये हकीकत है कि मेहनत करने वालों ने बड़ी मेहनत की, बड़े खुलूस से लिखा और यह कहा जा सकता है कि उनके पेश नजर तामीर मिल्लत का मसला था, वो चाहते थे कि वाकई कौम एक मेयार बलंद पर फाइज हो। ये सब लिखने वाले यकीनन तारीफ के मुस्तहक कि उन्होंने इस्लामी नजरिया हयात को पेश किया। मैं अगर इस मौके पर यह अर्ज़ करूं कि इन किताबों की तारीफ करने के बाद, यानी बगैर किसी अपोलॉजी के, बगैर किसी माजरत के, ये नहीं कि ये तारीफ लफ्जी थी, नहीं हकीकी थी, तारीफ करने के बाद मुझे भी इसका हक पहुंचता है कि मैं भी अपने नुक्ता निगाह को पेश करूं कि हमारा नुक्ता निगाह इस्लामी नजरिया हयात के मुताल्लिक क्या है। यकीनन तकरीर है, कोई किताब नहीं लिखी जा रही है, और यकीनन किताबों के लिखने वाले अगर उन तक ये बातें पहुंचें तो मुझे इसलिए माफ कर दें कि आजादी फिक्र और इजहार मुद्दा पर किसी पाबंदी का न होना हर तालिब इल्म को इस बात पर मजबूर करता है कि मसाइल इल्मी में वो अपनी राय को पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ पेश करे। जब इस मौजू का ऐलान हुआ था तो मेरे बास दोस्तों ने किताबें भेजी, उसमें जामिया कराची की एक अहम किताब इस्लामी नजरिया हयात, गालिबन जनाब खुर्शीद अहमद साहब की तसनीफ है और बड़ी रकीम है। लेकिन चूंकि मैं एक अहम सिलसिले तकारीर को शुरू कर रहा हूं, इसलिए अगर मैं चंद मिनट आपसे तमहीद के सिलसिले में ले लूं और अगर इस तमहीद में मैं आप पर वाज़ह करने में कामयाब हो जाऊं कि हकीकत में मेरा मुद्दा क्या है, तो वाकई यह मौजू पूरा आपके समझ में आएगा। लेकिन इस तमहीद के सिलसिले में भी यह वादे कर देना होगा कि
हर गलत फहमी से अपने आप को बचाते हुए और मेरे सुनने वालों को दूर रखते हुए यह वजाहत है लाजिमी कि यह सूरत सूरत जवाब नहीं है। हम किसी जवाब की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि एक मसले को आपने इस तरह से समझा है और हम इस तरह से पेश कर रहे कबूल उत्तर जहरी जोशा। तो इस सूरत में मैं पहले पूरा तारुफ करवा दूं। फिलहाल मैं दो किताबों के नाम ये है इस्लामी नजरिया हयात तकरीबन 450 सफे की किताब है खुर्शीद अहमद शोबे तसनीफ व ताजीफ व तर्जमा कराची यूनिवर्सिटी कराची इस्लामी नजरिया हयात इस्लामी नजरिया हयात पूरी किताब में कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر ہر وہ کام کہ جس کو نمو پذیر ہونا ہے جس کو اتمام پر پہنچنا ہے اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو سمجھ لو کہ منقطع ہے تم مریدہ ہے پیش لفظ اظہار تشکر پیش مضامین مقدمہ میں نے بہت سوچا بہت غور کیا کہ اتنی اچھی کتاب کو تو اس طرح سے شروع ہونا چاہیے تھا کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ کوئی اسلامی نظریہ ہے آپ پہ گفتگو ہو رہی ہے اب اس کے ساتھ ہی جو پہلا عنوان ہے بغیر بسم اللہ کے وہ زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل اب زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کے حل میں یہ چار جملے اس کے بعد میں کتاب کو رکھتے ہیں مذہب فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات ہیں زندگی کے بنیادی مسائل بیسک پرابلمز فنڈامنٹل پرابلمز اور یہ کہتے ہیں مذہب فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات ہیں سوال مسائل نہیں مسائل سوالات سوال کوئسچن ہے پرابلم نہیں ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے دیکھیے ایک یونیورسٹی سے کتاب آ رہی ہے بھائی ایک جامعہ سے کتاب ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے اور ہمارے بچے پڑھیں گے زندگی کے بنیادی مسائل اور ان کا حل مذہب فلسفہ اور تمدن کے کچھ بنیادی سوالات ہیں جن کے حل پر انسانی زندگی کا انحصار ہے وہ بنیادی سوالات یہ ہیں اس دنیا کا آغاز و انجام کیا ہے کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے لیے اس زندگی میں کیا ہدایات ہیں نیز یہ کائنات بحیثیت مجموعی کیا ہے اس کو نظم و ضبط میں رکھنے والی اور ایک ہمگیر اور محکم قانون کے مطابق چلانے والی ذات کون سی ہے اور اس کے کیا صفات ہیں اس کا انسانوں سے کیا تعلق ہے اور انسانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے کیا ان قوانین طبعی کے علاوہ جو اس عالم میں کار فرما ہے کوئی اخلاقی قانون بھی ہے اگر ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے انسان کی اس کائنات میں صحیح حیثیت اور منصب کیا ہے وہ خود مختار ہے یا کسی کا ماتحت ہے کسی دوسری طاقت اور عدالت کے سامنے جواب دہ ہے یا آزاد اور غیر ذمہ دار ہے اس کا کمال مطلوب کیا ہے یہ اولین اور بنیادی سوالات ہیں یہ ساتھ اور باب کو قائم کیا زندگی کے بنیادی مسائل اور اس کا حل بیسک پرابلمز دورہ کرتے ہوئے کوئی وزیر جب
हमारे शहर में किसी मकाम पर पहुंचता है, पहला सवाल, भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? कौन दादा, रहने को घर नहीं है, रिजा की सूरत हाल खराब है, सेहत का इंतजाम अच्छा नहीं है, बेरोजगारी आम है, माशी जख्मतें ज्यादा हैं, ये जिंदगी के बुनियादी मसाइल हैं। देखिए पाकिस्तान के 10 करोड़ बाशिंदे अपनी जिंदगी के साथ ये बुनियादी मसाइल तो नहीं रखते होंगे कि कायनात कब बनी, कैसे बनी, माजी क्या था, फिर इस्तकबाल क्या होगा, हमारा ताल्लुक कायनात से क्या है। ये इस्लाम के बुनियादी मसाइल या हयात के बुनियादी मसाइल में फलसफी अफकार को दाखिल करके आवाज में इंतशार फिक्र की दाद देना, ये हमारी समझ में नहीं आया। अगर यही तय है कि जिंदगी के बुनियादी मसाइल क्या है, तो हम यहीं से बहस को शुरू करते हैं। जाहिर है आप क्या चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं वो हमारा भी मंशा है। आप ये चाहते हैं कि जिंदगी के बुनियादी मसाइल को हल करने में फलसफा नाकाम हुआ, साइंस नाकाम हुई, और जितनी ताकतें हैं सब नाकाम हो गई, जिन जिन को गिना जा सकता है, और सिर्फ मजहब कामयाब हुआ है जिंदगी के बुनियादी मसाइल का हल ढूंढने में। ये आप कहना चाहते हैं, मैं भी वही कहना चाहता हूं। मगर मैं चाहता हूं कि जब किसी यूनिवर्सिटी में इस मेयार बलान से बहस शुरू हो, तो इतना तो पढ़ने वाला समझे कि कोई तसलसुल फिक्र है, कोई कंटिन्यूटी ऑफ थॉट है, कोई कॉन्सिस्टेंसी है, कोई हम आहंगी है, गुफ्तगू है। मसाइल पर बहस शुरू होती है सवालात से, वो सवालात के जिनका आम इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं। अब आप बतलाइए जिंदगी का बुनियादी मसाला आपका क्या है, आपका बुनियादी मसाला क्या है यहां जो हजरत, या आप अपने पूरी नौ पर अपने कियास को मुहित करके यह बतलाइए कि नौ इंसान का बुनियादी मसाला क्या है, पहले इस बताइए, और यह देखें कि हमारी फिक्र हमको किस रास्ते पर ले जाती है, और इनके सवालात क्या है, सोचते जाइए बुनियादी मसाला क्या है। यही यही ना कि जैसी मिसाल मैंने दी, घर, रिजा, आराम, सेहत, इन सबको एक जगह कीजिए एक लफ्ज में, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को एक जुमले में एक जगह कीजिए, और कहिए जिंदगी का बुनियादी मसला यह है। जिंदगी का बुनियादी मसला क्या है? तहफ्फुज़े ज़ात। तहफ्फुज़े ज़ात। अब अगर जाड़े गर्मी बारिश में हिफाजत ज़ात मकसूद है, घर बनाओ, जानवरों से बचना है, डाकुओं से बचना है, डाकुओं से बचना है, घर बनाओ। आराम चाहते हो, सेहत चाहते हो, घर अच्छा रखे, अपनी जात की बका चाहते हो, रिजा को ढूंढो, माशी इंतजाम को मुकम्मल करो, ऐसे हालात पैदा करो माश में कि परेशानी न हो तहफ्फुज जात में कि मुझे नुकसान पहुंचा। सेहत के मसाइल को ढूंढो कि कहीं बीमार न हो जाओ, तहफ्फुज जात। अब आप गौर करें, ये एक जुमला आपके हर डिमांड को और हर मुतालबे को घेर लेगा। तहफ्फुज़े ज़ात, हिफाजत ज़ात, सियानत ज़ात, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी आप हिफाजत बाहर सूरत। इस हिफाजत के लिए अगर तालीम लाजिम है तो तालीम हासिल करो, इस हिफाजत के लिए नौकरी जरूरी है नौकरी ढूंढो, इस हिफाजत ज़ात के लिए गिदा लाजिम है काश्तकारी करो, इस हिफाजत ज़ात के लिए अगर अपने सेहत का इंतजाम चाहते हो अच्छे बेहतरीन डॉक्टर्स को पैदा करो, इस हिफाजत ज़ात के लिए अगर ताकत
ताकत की जरूरत है कि दुश्मन से बचना है तो फौजों को तैयार करो, लश्करों को तैयार करो, अस्त्रों को तैयार करो, जदीद आलात हर्ब और ज़र्ब को दुनिया से मंगवाओ या खुद बनाओ, ये सब हिफाजत है। ज़ात तहफ्फुज़ ज़ात हिफाजत ज़ात एक ही चीज। इतने सवालात की हम पर जरूरत नहीं है। जिंदगी का बुनियादी मसला तहफ्फुज़ ज़ात हिफाजत, इंसान अपनी हिफाजत है, अपनी हिफाजत। तो हयात का बुनियादी मसला तहफ्फुज़ ज़ात, यह तय हुआ। अब हयात की तारीफ कीजिए, अब हयात की तारीफ कीजिए। अगर महदूद हो गई विलादत से कब्र तक तो यहां का तहफ्फुज़ ज़ात, और अगर हयात हो गई मुसलसल कब्र से आगे मैसर तक तो वहां के लिए तहफ्फुज़ ज़ात। ऐसी सूरत में अब हयात को डिफाइन करना पड़ेगा इस्लामी नुक्ते निगाह से, इसलिए कि इस्लामी नजरिए हयात है, इस्लामी नजरिए हयात है। कि कुरान ने हयात की कहां क्या तारीफ की, कहां क्या तारीफ की, और वाकई कुरान ने किसको हयात करार दिया। हयात दुनिया को तो कुरान ने कहा मताए गुरूर है, लहबो लाइब है, लफ्ज हयात के साथ लहबो लाइब है, मताए गुरूर है, धोखा है। और जहां हकीकी हयात में गुफ्तगू आई वहां कहा गया कि इजा दुख कटिल वो चार कवल मलक सब जहन्नम वो यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान वो अन्ना लहुल ज़िक्रा या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। यह सूरह फज्र है, जब जमीन पारा पारा हो जाए और तेरा रब वहां तशरीफ फरमा होगा मकाम जलाल पर, मकाम हिसाब पर, और मलाइका सब बसफ हो, और उस वक्त इंसान याद करेगा भूलने वाली चीजों, और याद करने के सूद होगा, और ये कहेगा या लैतनी कद्दम तो ले हयाती, अरे काश मैं मेरी हयात का कुछ सामान करता, मैं इस हयात के लिए कुछ पहले से भेजता। कद्दम तो ले हयाती, मैं इस हयात के लिए कुछ भेजता। इस्लामी नजरिए हयात पर गुफ्तगू करने वाले कुरान मजीद में से सबसे पहले उन आयतों को चुन ले जिसमें लफ्ज हयात इस्तेमाल हुआ है, और ये 76 मकाम पर है। कुरान मजीद ने 76 मकाम पर लफ्ज हयात का इस्तेमाल किया, उनमें से एक मकाम ये कि वो है हयात कि काश मैं उस हयात के लिए कुछ इंतजाम कर। तो अब गैर महफूज हो गया है, वहां पहुंच के गैर महफूज हो गया। तोशा न था, ज़ादे राह न था, नामे अमल पाक न था, वहां गैर महफूज हो गया। यहां तो मकान भी थे, सेहत का इंतजाम भी था, दौलत दुनिया भी थी, मगर वहां तहफ्फुज़ ज़ात का ख्याल न रहा। तो इसलिए काफी अफसोस मिलता है, या लैतनी कद्दम तो ले हयाती, काश मैं अपने हयात के लिए कुछ इंतजाम करता। तो पता चला कि कुरानी नुक्ते निगाह से, इस्लामी नुक्ते निगाह से हयात मुसलसल है, और तहफ्फुज़ ज़ात तिफली में भी है, जवानी में भी है, ज़ईफ़ी में भी है, मौत के बाद भी है, बरज़ख़ में भी है, महशर में भी है, और जहां है वहां तहफ्फुज़ ज़ात है। तहफ्फुज़ ज़ात सारी कायनात में,
इसकी इब्तदाई सूरत एक कुव्वत जाज़िबा है, एक कुव्वत दाफिया। जो वन सेल थ्योरी है, यानी सबसे कमजोर जहां हालात पाई गई वहां भी जज्ब करने की कुव्वत है, एक दफा करने की कुव्वत है। तो कुछ जज्ब करता है अपने नमू के लिए, दफा करता है अपने तहफ्फुज के लिए, दफा करता है अपने तहफ्फुज के लिए। इन जज्ब और दफा से जब आगे बढ़ गया तो फिर तहफ्फुज आपने और काम किया, यानी अब तग़ज़िया भी है, तनमिया भी है, तौलीद मसल भी है। अब ग़िज़ा भी उसके लिए लाजिम है, नमू पज़ीरी भी चाहता है, तौलीद मसल भी चाहता है कि मेरा सिलसिला रहे, तहफ्फुज़ रहे, डायमेंशंस में अपना एक सिलसिला चाहता है कि रहे, कुछ नाम रहे। और तरक्की की तो सामिया भी है, बासिरा भी है, लामेसा भी है, जायका भी है, हादसा भी है। ये हवा से कमसा फकत तहफ्फुज के लिए है। आंखें गलती न करें, कान गलत न सुने, एहसास गलत न हो, जायका गलती न करे, वरना जात का नुकसान होगा। हिफाजत में खलल आएगा, तहफ्फुज लाजिम है। और इस तरह से अब यहां से जहां जहां हयात कमी होती चली, तहफ्फुज कमी होता चला। इस्लामी नजरिया है हयात, तहफ्फुज और कमी होता चला। हम इन तमाम मसाइल को गुफ्तगू करेंगे। इस तहफ्फुज के लिए कुरान में क्या लगता है? कभी आपने सोचा? अजीब बात यह है कि देखिए, ये मकामात हैं मेरी तकरीर के कि जरा मुमकिन है कि अजनबी सुनने वाले ये कहे कि देखिए शायद ये एक ऐसा मकाम है कि जहां इनका अना काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि निहायत ही माजरात के साथ इस ऐलान की जरूरत है कि अगर फिक्र को किसी खजाने इल्म से रब्त होता तो फिक्र में तशनगी न हो, फिक्र सैर होती, मगर जहां फिक्र अधूरी हो तो वह क्या होता है? खुर्शीद अहमद साहब ने किताब लिखी, 9-10 मजमून है, जैसे मजहब क्या चाहता है। अब उन्होंने यह किया कि खुद अब उनका मजमून नहीं है, उन्होंने कहा कि मैंने इतने बड़े बड़े लिखने वालों के मजामीन से तलखीस की है, खुलासे किए हैं और एक मजमून बनाया है। मौलाना हजरत अबुल आला मौदूदी से लिया, अमीन हसन इस्लाही से लिया, मनाजिर अहसन गीलानी से लिया, प्रोफेसर मंजूर अहमद से लिया, यानी एक ही सब्जेक्ट में 2 पैराग्राफ उनसे लिए, 3 पैराग्राफ उनसे लिए, 1 सफा उनसे लिया, मजमून को मुकम्मल किया, मजहब क्या चाहता। तो जाहिर है कि वो कितने ही काबिल थे, मगर सोचने के तरीके तो अलग होंगे ना, जहां सोचने के तरीके अलग होंगे वहां आप इबारत आराई करके तसलसल तो कायम कर देंगे, मगर फिक्र गैर मरबूत हो जाएगी, फिक्र गैर मरबूत हो जाएगी। यानी लिखना है तो जैसा कि मुकदमा है खुर्शीद अहमद साहब का, बेहतरीन मुकदमा, मुकदमे के लिए मुझसे तारीफ भूल कीजिए, मगर जहां मबाहिर जाते हैं वहां कई आदमियों के मजामीन को एक जगह करने की कोशिश की है। ये आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, नहीं हम ये सुनना चाहते हैं कुरान क्या कहता है। इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नजरिया है आप क्या है? कल की अपनी तकरीर की आवाज में मैं इस मसले पर शायद और ज्यादा रोशनी डाल सकूंगा कि आखिर इस सब्जेक्ट की हमको जरूरत क्यों पड़ी। वक्त के इस हिस्से में इस्लामियात की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर जरूरत पड़ी तो कभी यह भी तय किया कि आदम भी मुस्लिम थे, नूह भी मुस्लिम थे, इब्राहिम भी मुस्लिम थे,
موسیٰ و عیسیٰ بھی مسلم تھے، انبیاء مسلم تھے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی اندیت میں ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے. تو اگر اسلامیات پر گفتگو ہے تو پھر بیشتر حصہ تو انبیاء کے مختلف ان کیفیات زندگی کے لیے وقف ہوگا کہ جو کیفیات اس وقت کی امتوں کی ہدایت کے لیے لازمی تھے. اس سلسلے میں ہم کل گفتگو کریں گے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ چونکہ مختلف آثار سے کوٹیشنز لیے، تسلسل نہ ہو سکا. ایک مرتبہ کسی اجنبی آدمی کو دکھلائیے تو پتا چلے گا کہ تسلسل کہاں ہے، کیوں نہیں ہے. وہی کہ منبع فکر، ملجا فکر، مرا فکر، وہ کوئی ایسا خزانہ علمی نہیں ہے کہ جہاں سے ہم متصل ہو کے ناز کریں کہ ہم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ان مسائل میں کوئی غلط فہمی میں ہم کو مبتلا نہیں کر سکتا. حفاظت کے لیے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ واقف، یہ واقف، اسی سے تقویٰ، اسی سے انفسکم و اہلیکم، اپنے نفسوں کی حفاظت کرو. آپ انفسکم و اہلیکم، اپنے اولاد کی حفاظت کرو. اس آگ سے حفاظت کرو جس کی ایندھن انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے. تو اب لغت میں دیکھیے، تقویٰ پروٹیکشن، اپنی حفاظت، ٹو گارڈ ون سیلف، حفاظت کر، نگہداشت کر، اپنی نگرانی کر، منظر تقویٰ. اور یہ تقویٰ کیا انسان کے بنیادی مسائل کا حل ہے؟ قرآن نے کہا اور اس کے بعد اب تقویٰ کو دیکھ کر قرآن مجید کی ساری آیتیں نکال لی کہ قرآن نے کیا وعدہ کیا. ارشاد ہوا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا وہ یرزق من حیث لا یحتسب، جو اپنی حفاظت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، ہم اس کی ہر مصیبت کو ٹال دیں گے اور اس کو ایک ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں. من یتق اللہ، جو مقام تقویٰ پر آئے، اس کو ہم مصیبت سے بچائیں گے، مشکلات سے بچائیں گے ہم اسلام، اور رزق بھی دیں گے ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ تھا. ارشاد ہوا کہ دیکھو، یہ وہ منزل ہے حفاظت کی کہ اگر تم نے واقعی تقویٰ پہ عمل کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر یہ حفاظت کا خیال ہے، اگر تقویٰ کی منزل ہے، اگر یہ سیلف پروٹیکشن ہے، اگر تم گارڈ کر رہے ہو، اپنے کو نگرانی کر رہے ہو، تو ہم یہ سب سہولتیں تم کو عطا کریں گے. نہیں، سنو، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اپنی حفاظت کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے. معیت نہیں، سنو، ان اللہ یحب المتقین، خدا توڑ سکتا ہے صاحبان تقویٰ. نہیں، سنو، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا قبول کرتا ہے متقین. کچھ اور آگے،
इरशाद हुआ कि देखो उनको बिशारत जो साहिबान तकवा फिल हयात दुनिया वाला आखिरत, हयात दुनिया और आखिरत में कि उन्होंने अपनी हिफाजत की और अपने आप को बचाया। तो अब ये वो मंजिल है कि जहां तकवा की बहर छिड़ गई तो रास कुरान आया। मेरे मबहस को समझने की कोशिश की और इस्लामिक आइडियोलॉजी पर गुफ्तगू करते हुए कुरान को आना भी चाहिए। कुरान को नजरअंदाज करके कैसे बहस की जाए, कुरान को नजरअंदाज करके कैसे बहस की जाए। हम हीगल, कांट, नेट्शे, योशोपनहा, स्पेंसर या मार्क्स की थ्योरीज को पेश करते जाएं और यह कहते जाएं कि इस्लाम ने इस तरह से हमारी मुदाफियात की है, तो यह भी एक तरीका फिक्र, यह भी एक तरीका फिक्र। मगर इकबाल ने एक अजीब शेर कह दिया, दानिशे अफरंगिया गारतगरी, दानिशे अफरंगिया गारतगरी। इसके बाद दूसरा मिसरा सुनेंगे, दैरहा खैबर शुद, यानी सारे चर्चेस सारे दायर उनमें से हर एक खैबर बन गया है। दायरहा खैबर शुद बेहैदरी, चूंकि हैदर नहीं है इसलिए हर दायर खैबर है, हर दानिश का मरकज खैबर है। तो दानिश अफंगिया गारत गरी, दैरहा खैबर शुदत बेहैदरी, हर दायर खैबर बना हुआ है, कोई हैदर नहीं है, कोई हैदर नहीं है, सब मुसलमान है, सब मुसलमान है और अपना तहफ्फुज़ चाहते हैं। इकबाल की निगाह आलम इस्लाम पर है, आलम इस्लाम पर है। वो तुर्की को देख रहे हैं, ईरान को देख रहे हैं, इराक को देख रहे हैं, मराकश को देख रहे हैं, सवाहिल अफ्रीका की मुस्लिम हुकूमतों को देख रहे हैं, उन्होंने काम भी देखा है बकौल आपके पाकिस्तान का, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी देखा है, उन्होंने चीन के मुसलमानों का भी अंदाजा किया है, उन्होंने पाकू और आजरबाइजान के मुसलमानों की गिनती भी ली है, मगर कहते हैदर नहीं है। तो मालूम हुआ करोड़ों है मगर किसी की कमी है, किसी की कमी है, इसलिए हर दायर खैबर है। फिर सुनिए, दानिशे अफरंगिया गारतगरी, दैरहा खैबर शुदल बेहैदरी, यह है जावेद नामे का शेर। मगर इसी सिलसिले का एक और शेर भी याद रखें, इसलिए कि शायद आपके हाफिज़े में रह जाए। कितने हजार खैबरों सद गुना अजदर अस्तिंजा, हजार खैबर हैं और हजारों अजदर हैं, अजदर खैबरों अजदर दोनों को आप समझ गए, एक का बचपने से ताल्लुक है, एक का जवानी से ताल्लुक है। हजार खैबरों सद गुना अजदर अस्तिंजा, न हर के नाने जमी खुर्द हैदरी दाना, हर नाने जमी खाने वाला, हर जौ की रोटी खाने वाला हैदर नहीं है, गुर्बत बहुत है। जौ की रोटी खिलाई जा रही है, जौ की रोटी खिलाई जा रही है। इकबाल ने अपनी पेशबीनी से काम लिया और कहा एक जमाना आएगा जबकि मजबूर किया जाएगा कि खाओ खाओ जाओ की रोटी। तो इकबाल ने कहा, हजार खैबर हो सदगुना इधर सिंगा, न हर के नाने जमी खुर्द हैदर ईदानद, हर वो जो जौ की रोटी खाता है वो हैदर नहीं है,
वरना कोई आयदर ना रहे और कोई खैबर ना रहे। आपने देखा इकबाल ने एक सिंबल तैयार किया है एक ऐसे इंसान का जो खुद अपनी मुहाफिजत करते करते उस मंजिल पर पहुंच गया है कि दीन की मुहाफिजत करे, इस्लाम की मुहाफिजत करे, मोहम्मद अरबी की हिफाजत करे, अल्लाह के नाम की हिफाजत करे। मैं जिन मनाजिल से गुजर रहा हूं वो इसलिए अहम है कि शायद हमारी आने वाली तकरीरों में उन मकामात से हमको मदद मिले। तो वो मरकज नहीं है कि अगर उस मरकज से वाबस्तगी हो न खैबर रहे ना इधर। इसलिए अब हमारा तरीका है फिक्र हमको उसी मरकज की तरफ ले जाएगा और हम उस बारगाह में जाके अर्ज करेंगे कि आप बाबे मदीना इल्म हैं, आप हमारी मुश्किल कुशाई करें और ये बतलाएं कि इंसान जब अपनी इबादत करता है तो कितने मसाइल हल होते हैं, कितने बुनियादी मसाइल हल होते हैं। हमाम खड़े हो गए और कहा कि या अली बतलाइए कि वो साहिब तकवा जो अपनी हिफाजत करता है उसकी तारीफ क्या है, उसकी तारीफ क्या है जो अपनी हिफाजत करता है। क्या फरमाया इन्नल्लाह खलकल खल्क, अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया वह ही ना खला का हूं वही अनंता, और जब पैदा किया तो उनकी ताकत से गनी था, उसको कोई जरूरत नहीं थी कि कोई इताअत करे कि ना करे, वो आम नल अन मासियत ही और किसी के गुनाह की उसको फिक्र न थी। फैन्ना ला यज़ुर्रो हूं मासियत मन असा, इसलिए कि गुनहगार की का गुनाह उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वला यंसो हूं ताअत मन अता, और इताअत करने वाले की इताअत उसको नफा नहीं पहुंचाती। फल मुत्तकून फीहिम, और यह साहिबाने तकवा उनमें से हम अहलुल फजाइल, ये बुजुर्गी रखने वाले हैं, ये फजाइल रखने वाले हैं। आपकी फिक्र यह है कि कौन तरक्की करे, कौन दर्जे कमाल पर जाए, तो लिमिट में तो रख लाइए कि कहां जाए। एक नाम दीजिए, मुसलमान तो है, क्या बनाना चाहते हैं कौन। अली ने कहा कि जब कौम उस दर्जे कमाल पर पहुंचती है मुत्तकी होती है, मुत्तकी होती है तो लिमिट दी जाए कि पूरे कौम के लिए तकवा लाजिम है अगर इस्लामिक आइडियोलॉजी है, तकवा लाजिम है। और तुमको मुत्तकी बनना है, हर शख्स को मुत्तकी बनना है, इसलिए कि फल मुत्तकून फीहिम हम अहलुल फजाइल, ये साहिबान फजाइल है। मंतिक हूं सवा, जब बातें करेंगे हक की बात है। मलबस हूं अल्यक्तसार, जब पोशाक पहनेंगे तो जो जरूरी पोशाक, जो जरूरी पोशाक, यानी उसमें वो इसराफ नहीं करेंगे। मियाना रवि की पोशाक, मलबस हो मूल्य के साथ, मसीह हो तबाजो, जब चलेंगे तो इनके सारी साथ हो। अलमुत्तकून हो महलुल फदाई, मंतिक हो मुसवा, मलबस हो मूल्य के साथ, मसीह हो तबाजो। बहुत गौर से सुनिए, याद फरमाते हैं ये वो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे कि अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अम्मा
حرم اللہ علیہم غزو ابصارہم اما حرم اللہ علیہم, جس چیز کو خدا نے ان کا حرام قرار دیا ان کی آنکھیں بند ہو گئی. وہ وقفوا اسماءهم لعلم نافع لهم, اور ان کے کان اور ان کی سماعت وقف ہوگی علم نافع کے لیے. یہ ٹریننگ دیکھیے, آنکھیں بند ہو جائیں گی اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کو خدا نے ان کو حرام کرا دیا, اور کان وقف ہوں گے. وقفوا اسماءهم, ان کے کان وقف ہوں گے علم نافع, علم نافع کے لیے. اب اس کے بعد یہ وہ لوگ ہوں گے, اشارت فرماتے ہیں کہ علم القول فی انفسہم, ان کے نفوس میں خالق کی اتنی عظمت ہوگی کہ فصور ما دونہ فی اعینہم, کہ اس کے سوا اور کوئی ان کی آنکھوں میں سمائے گا نہیں. فصور ما دونہ فی اعینہم, خالق کی اتنی عظمت ہوگی کہ کسی اور کو آنکھوں میں نہیں بسائیں گے, ان کی آنکھوں میں کوئی جچے گا نہیں. فرماتے ہیں کہ ہم والجنت کمن قد راہا وہم منعمون, وہم والنار کمن قد راہا وہم معذبون, اپنے گھر میں ہوں گے مگر نگاہیں کھلیں گی جنت کو دیکھیں گے اور کہیں گے ان نعمتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھنا, اور آنکھیں کھلیں گی جہنم کو دیکھیں گے ڈریں گے اور کہیں گے گناہوں سے بچنا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب آ جائے. تو جنت اور جہنم نگاہوں میں لیے ہوئے ہیں, نگاہوں میں لیے ہوئے. دیکھیے قوم کی ترقی, قوم کو کس منزل پہ پہنچانا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ لأحد منهم, تم دیکھو گے ان میں سے ہر ایک کے لیے لہو قوتا فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین, ان متقیوں کو دیکھا میں دین میں قوت ہے, کسی سے رواداری کر رہے ہیں تو محتاط ہیں, دین میں قوت ہے, رواداری میں محتاط ہے, یقین میں ایمان ہے, شک نہیں ہے یقین میں ایمان ہے. حرصاً فی علم و علماً فی علم, جہاں علم کا معاملہ ہے حریص ہے, اور جہاں علم کی گفتگو ہے اپنے آپ کو عالم بتلاتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پر یوں گفتگو کر سکتے ہیں. حرصاً فی علم و علم فی علم, بہت غور سے سنیے, اشارہ فرماتے ہیں لہو تجملاً فی فاقت و صبراً فی شدت, متقی کے تجمل کو دیکھو فاقے میں, شدت کی تکلیفوں میں اس کے صبر کو دیکھو, والنشاط فی الہدا, اور راہ ہدایت میں اس کے وجد کو دیکھو, والنشاط فی الہدا, اور راہ ہدایت میں اس کے سرور کو دیکھو, اس کے وجد کو دیکھو کہ کس دھن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ارشاد فرماتے تراہ قریبا عمله قليلا زلله خاشعا قلبه خانعه نفسه مجذوما غيظه منظورا عقله, تم دو دیکھو گے اس کو ذرا ذرا سی امیدیں, قریبا عمله الف سے اس طویل امیدیں نہیں ہیں, ذرا سا کام نکل گیا بس مطمئن ہو گیا. قليلا زلله, بہت چھوٹی سی لغزش کرنے والا, کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا, ذری سی لغزش, ذری سی امے, غذا ہلکی سی غذا, غصے کو دبانے والا متقی جو اپنی آنکھ حفاظت کر رہا ہے اس کے مدارج بتلا. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو
ये वो मंजिल है कि जहां फिर सनौजली बकूरू फिर लखाओ रही सबूरू फिर लखाओ शकूरू, जब जल्दले आते हैं तो उसके विकार को देखो, मकरू हाथ में उसके सब्र को देखो, मुसीबतों में उसके शुक्र को देखो, और आखिरी मंजिल लायत कुलो फिल बातिल व ला यखरुज अनिल हक, हक से बाहर नहीं आता, बातिल में कदम नहीं आता। मुत्तकी एक लफ जो अपनी आप हिफाजत करे, इसलिए कि हिफ्ज़-ए-ज़ात और सियानत-ए-ज़ात इंसान का बुनियादी मसला है, और कुरान कहता है कि यह बुनियादी मसला इस बात का तालिब है कि तुम हिफाजत करो, उस हिफाजत के लिए जो भी राह तुम अख्तियार करो, वो साइंस की हो, अकल की हो, इल्मे दुनिया की हो, हवा से जाहिर से मदद लेकर हो, उसमें कमी कजी कोहनगी और खामी नजर आएगी। और मजहब का यह वादा कि अगर तुमने इस राह को इख्तियार किया, क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी है, अगर लफ्ज इस्लाम ना होता तो यह बहस नहीं होती। इस्लाम इसलिए जोर दे रहा हूं इस लफ्ज पर कि हयात फकत यही नहीं है, हयात आगे जाएगी, इसलिए तहफ्फुज़-ए-ज़ात यहां के लिए और वहां के लिए। इस मंजिल पर पहुंच गए एक बार आज, और वो अहम वो ये कि अपनी हिफाजत सब कर, सब कभी कभी इतनी इबादत करते हैं कि मैं अपनी हिफाजत करूं, नहीं मेरी जान से बढ़ के मेरे उसूल हैं, मैं उसूल की हिफाजत, मैं उसूल की हिफाजत करूंगा, मेरी जान से बढ़ के मेरा मकसद, मैं मकसद की हिफाजत करूं, जान जाए मैं मुहाफिज हूं उसूल का, मैं मुहाफिज हूं अपने मकसद का। या किसी ने कोई अहद किया है, मैं उस अहद का मुहाफिज हूं, जान जाए मैं मुहाफिज अहद हूं। और किसी ने इससे बढ़ के कोई जिम्मेदारी दे दी, का ये दीन पूरा दीन, ये मेरी कोशिश है, इन दीन इन अल्लाह इस्लाम, आदम की कोशिश, नूह की कोशिश, इब्राहिम की कोशिश, मूसा की कोशिश, ईसा की कोशिश, मोहम्मद अरबी की कोशिश, ये सारी कोशिश है एक जा हुई इस्लाम बना। और अगर ये हासिल सारे अंबिया की कोशिशों का किसी के हवाले किया जाए अहद के जरिए, क्या अब इसकी हिफाजत कर, अब इसकी हिफाजत करना है, तो हिफाजत जात के माना ये कि उसकी जात उसका मकसद है, मैं समझा रहा हूं, उसकी जात उसके उसूल है, अब फकत सांस का आना और जाना उसकी जिंदगी नहीं है, उसकी जिंदगी उसका मकसद बन गया, इसलिए कि सांस तो कभी भी उखड़ जाएगी, और ये रिश्ता नफस हो बदन किसी दिन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मकसद की हिफाजत की है, और अगर मकसद रह गया तो वो शख्सियत रह गई, वो जात रह गई। इसलिए इस्लामिक आइडियोलॉजी की वो मंजिल में देखना चाहता हूं जहां अफराद का भी तस्करा हो, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तस्करे से और मुजर्रदात के तस्करे से फेरी नहीं होती, वहां यह बतलाना पड़ता है कि यह रास्ता है और इस रास्ते पर अमल करने वालों ने यह किया। क्या ऐसी किताब जो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे लिखी जाए क्या कुरान से भी ज्यादा बेहतर होगी? और अगर नहीं है तो कुरान का तरीका तो यही है कि अमल का तस्करा भी नहीं किया, आमिल का नाम ले लिया। जिहाद की गुफ्तगू की, मुजाहिदीन का तस्करा कर दिया, आदम का तस्करा, नूह का तस्करा, इब्राहिम का तस्करा, मूसा का तस्करा, ईसा का तस्करा, ज़िलकिफ़ल का तस्करा, और कहा सौद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सौद वल कुरान ज़िल ज़िक्र,
قسم ہے قرآن کی جو صاحب ذکر ہے یہ کتاب فقط تذکرہ کی کتاب ہے. یہ بندے ہیں ہمارے, انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار, یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں. گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن جیسی کتاب ایک ایک منزل پر جب معقول کو محسوس بنانا چاہے تو افراد کے نام لے لے, اور اگر افراد کے نام نہ لے تو نزول پکار کے کہے کہ یہ افراد آئے تھے. کیا بات ہے, کیا اس کتاب سے کوئی کتاب افضل ہو جاتی ہے کہ جہاں افراد کو ہٹایا جائے, کسی کا نام ہی نہیں پوری کتاب میں, پوری کتاب میں کسی کا نام ہی نہیں, اور پھر اس کا نام کہ جس نے اصول کی حفاظت اس طرح سے کی جیسے کوئی اپنی آپ حفاظت کرتا ہے, اپنی آپ حفاظت کرتا ہے تیروں میں جائے اصول کی حفاظت کے لیے, تلواریں برسیں مقصد کی حفاظت کے لیے. اور دنیا دیکھے اور دنیا یہ سمجھتی رہے کہ قوم نے رونے رولانے کا ایک ڈھنگ نکالا ہے, مگر شاید جیسے جیسے فکر میں ترقی ہوگی آخر میں اسلامک آئیڈیالوجی کو چیسنا پڑے گا, اسلامی نظریہ حیات کو پکارنا پڑے گا کہ دیکھو یہ افراد ہیں. اگر قوم میں ایک اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہو کمال پر پہنچانے کی, اور وہ حفاظت چاہتے ہو کہ ہر انسان اپنی حفاظت کرے, گناہ سے حفاظت کرے, منکرات سے حفاظت کرے, برائیوں سے حفاظت کرے, نیکیوں کی طرف جانے میں اپنی حفاظت کرے کہ کیسے محفوظ ہو کر جائے اور کامیاب ہو کر نکلے, اگر ان سب کو بیان کرنا ہے تو پھر کوئی محسوس مثال بھی ہو کام دے. گفتگو آج کی حد تک ختم, آج کی حد تک ختم ہی میں تمہیں پیش کی, اور آج ہم صرف ایک لفظ گفتگو کر رہے تھے, تقوی حفاظت, حفاظت ذات زندگی کا بنیادی مسئلہ. یعنی کسی انسان سے پوچھو وہ کہے گا ہاں میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں, میں ڈر رہا ہوں, میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے ہم محفوظ کر دیں گے, مگر تقوی لازم ہے, مگر تقوی لازم. اور متقین کا یہ عالم ہے وہ ترقی کی اس منزل پر ہے کہ ہم تم کو محفوظ کریں گے, تمہاری زندگیوں کو محفوظ کریں گے, تمہاری اولاد کو محفوظ کریں گے, فقط یہاں نہیں تمہاری حفاظت وہاں بھی کریں گے, وہاں بھی تمہاری حفاظت کریں گے, یہ ہماری ذمہ داری. آؤ آؤ ہمارے ساتھ آؤ, ہم کو دیکھو, ہم کو دیکھو, ہمارے زخمی اجسام کو نہ دیکھو, ہمارے قید و بند کو نہ دیکھو, ہماری شہادتوں پر اس طرح سے نظر نہ ڈالو کہ آئے اور قتل ہو گئے. نہیں, یہ ہے زندگی کہ جہاں حیات پکار رہی ہے کہ اگر کوئی نمونہ حیات ہے تو یہ حیات اسلامی. معلوم نہیں کتنی بہت سی باتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں, بہرحال محفوظ کیجیے, حیات اسلامی کا واحد نمونہ, واحد گفتگو یہاں تک پہنچی. اور انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اصول کی حفاظت کے لیے, مقصد کی حفاظت کے لیے. وقت بظاہر گزر گیا مگر ایسا معلوم ہوا کہ اس مقام پہ پہنچ کے وقت رک گیا, گردش ایام رک گئی اور اب تک رکی ہوئی ہے, اور اب تک رکی ہوئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ٹھہرا ہوا اور کوئی بلند ہے, بڑی بلندی سے کوئی پکار رہا ہے, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. اسی راستے اسی منزل پر کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا, کوئی ہے ہفتہ ساتھ دینے والا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں,
نہ سیاسی تقریر ہے, نہ چاہتا ہوں کہ تقریر میں یہ بتلاؤں کہ کسی خاص مقصد سے کسی کا جواب مقصود ہے. نہیں, ہمارا طریقہ فکر یہ ہے, ہمارا طریقہ فکر یہ متقین کی ایک جماعت آئے اور مقصد کی حفاظت میں شہید ہو. قافلہ آگے بڑھ گیا, قافلہ آگے بڑھ گیا, کٹے ہوئے سر نو کہائے میدان. بارہ محرم کوفے میں داخلہ, بارہ محرم کوفے میں داخلہ. یہ گفتگو چونکہ ہو چکی اس لیے نہیں دہراؤں. 13 محرم حاکم کوفہ نے دربار طلب کی, دربار طلب کی اور مسجد کوفہ میں دربار طلب کی. میں نے کل بارگاہ میں 12 امام کی یہ گفتگو کی تھی اور آج اس جملے کو دہراتا ہوں بغیر کسی معذرت کے کہ دنیا کے مورخین اگر اس تاریخ کو لکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے لکھیں, شوق سے لکھیں. مگر ایک بات بتاتے ہوئے جائیں کہ اگر یزید کا لشکر لا رہا تھا حسین سے تو حسین تو قتل ہو گئے, حسین تو قتل ہو گئے. زینب کیوں جائے بازار؟ خدا کے لیے کوئی بتلائے زینب کیوں جائے دربار میں؟ کوئی معذرت ہے؟ کوفے کے دربار میں زینب, حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا, حسین اور ان کے ساتھ ہی قتل کر دیے گئے. اسلام کا فریضہ یہ تھا, مسلمان کا فریضہ یہ تھا اس منزل پر کہ فقط لڑائی اگر مردوں سے تھی تو پردے کا اہتمام کیا جاتا, سلطانیہ مدینے کو پہنچا دی جاتی, یہ جاؤ یہ گھر. مگر سیدانیہ دربار میں اور اعلان کیا گیا کہ دوسرے دن مسجد نبوی میں دربار ہوگا. کوفے کی مسجد جس کسی نے دیکھی ہو, بڑی وسیع مسجد خاص و عام سے بھری ہوئی. ابن زیاد ممبر پہ گیا, اس نے آواز دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ بادشاہ وقت کو فتح ہوئی, الفاظ کو کچھ بدلتے ہوئے, ورنہ اس نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے. بادشاہ وقت کو فتح اور خدا نے دشمن کو ذلیل کیا, اور یہ کہہ کے ایک جملہ اور ناسزا کہا. بھرا ہوا دربار, ایک آواز آئی جھوٹا, جس کا پاپ جھوٹا, جس کا تالا جھوٹا, کیا بک رہا ہے؟ گھبرا گیا ایک جیسے, یہ کون ہے جو میری توہین کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بنی عزت کے قبیلے کا سردار عبداللہ ابن عفیف ہے, 87 برس کا سن, جمل میں ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے, صفین میں دوسری آنکھ ضائع ہوئی ہے, نابینا ہے, اصا پہ تکیا کیے ہوئے کھڑا ہے اور کہتا ہے ابن عفیف آشچریہ مجا لو گئی کہ محمد کے نواسے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ ساری دنیا گونگی ہے. متقی کی تعریف کیا ہے؟ منطقہم السوا, حق بولے. متقی حق بولے. کل لاؤ اس بوڑھے کو یہاں لاؤ, یہاں لاؤ. درباریوں نے, لشکریوں نے اس کو کھینچا,
बनी अजद का कबीला तलवारें खेच के सामने आ गए। कामी होशियार लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं हम हैं, ये आबिद बीमार नहीं है। इतने ज़ियाद को बढ़ाना गवार गुजरा कि मैं ऐलान करना चाहता था अपनी फतह का, और अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ ने ऐसे मौके पर हंगामा मचा दिया, इसको सजा मिलनी चाहिए। एक और तरीका इख्तियार किया गया और बनी हज़रत के सरदारों को सरेशाम